Welcome back. This is the last session of fish farming. In that, we are going to talk about the composite fish culture or polyculture of fishing. In previous session, we have talked about marine fisheries, freshwater fisheries, and aquaculture. These all sessions you must see in continuation so that you will completely understand this topic of animal husbandry, that is pisciculture or fish farming. Now come back. Here, composite fish farming. What is meant by composite? That I will let you know first. When we are growing only one type of fish in our aquaculture, that is referred as the monoculture. इसे क्या कहते हैं हम? मोनो कल्चर, राइट? मतलब एक ही टाइप का जो स्टॉक है आप वो ग्रो कर रहे हो. लेकिन इससे क्या होता है, कभी कभी द यील्ड इज नॉट एज हाई एज वी आर एक्सपेक्टिंग एट द एंड ऑफ दैट पीरियड. हमारे एक्वा कल्चर में इफ वी आर प्रैक्टिसिंग फॉर द सिंगल टाइप ऑफ स्पेसीज, सिंगल स्टॉक, दैट टाइम द यील्ड इज कंपेरेटिवली लेस एंड वी मे केम अक्रॉस द लॉस एज वेल. इफ एक ही स्पेसीज है हमारे एक्वा कल्चर में और जब वो उसका हार्वेस्टिंग टाइम, फिशिंग टाइम आता है, उस टाइम पे अगर किसी वजह से मार्केट वैल्यू डिग्रेडेड है, तो द पर्सन हु इज गोइंग फॉर दैट फिश फार्मिंग अल्टीमेटली कम अक्रॉस द लॉस. सो टू ओवरकम दैट प्रॉब्लम वी मस्ट गो और प्रेफर फॉर द कंपोजिट फिश फार्मिंग. ये कंपोजिट फिश फार्मिंग क्या होता है? एक्चुअली इट इज अ टेक्निक ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट स्टॉक ऑफ द फिशेज. अलग अलग स्पेसीज को एक ही जगह पे हम ग्रो करते हैं. अभी अलग अलग स्पेसीज को ग्रो करते हैं तो उसके लिए भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, सम क्राइटेरियाज है, अदरवाइज दे विल फाइट विथ ईच अदर फॉर प्लेस, फॉर फूड. और ऐसा भी पॉसिबल है कि दे विल ईट ईच अदर. अगर कार्निवोरस है तो वो हर्बीवोरस फिशेज को खा भी सकते हैं, तो ये भी प्रॉब्लम आती है. अंडरस्टैंड? सो टू ओवरकम ऑफ दिस द साइंटिस्ट हैव इन्वेंटेड. जब ब्लू रिवोल्यूशन हुआ, यू नो इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर आई टोल्ड यू अबाउट डिफरेंट रिवोल्यूशन लाइक ग्रीन रिवोल्यूशन, व्हाइट रिवोल्यूशन, ब्लू रिवोल्यूशन. So this comes under the blue revolution, that is fish cultivation, fish production. So in that it has been noticed that if we are rearing different variety of the fishes which are living in the different location, पानी में ही रहते हैं but सारे एक ही जगह पे नहीं रहते, क्योंकि पानी की जो भी water body है that has its own structure. सरफेस होता है, बॉटम होता है, और इन दो जगह के बीच का जो रीजन होता है दैट इज कॉल्ड एज वॉटर कॉलम. क्या कहते हैं इसे? वॉटर कॉलम. सो ये अलग 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 जगह पे जो रहने वाले फिशेज है, और इसके साथ साथ ये अलग अलग जगह पे रहने के बाद भी उनका खाने का जो मोड है, द फीडिंग हैबिटेट से, वो भी अलग होती है. सो ऐसे फिशेज अगर हम एट अ टाइम ग्रो करते हैं तो द यील्ड ग्रोज 8 to 10 टाइम्स मोर देन द मोनोकल्चर. और किसी एक वैरायटी में या किसी एक टाइप की ब्रीड में स्टॉक में लॉस होता है तो रेस्ट ऑफ टू आर देयर टू हेल्प अस आउट फ्रॉम दैट प्रॉब्लम. सो लेट्स सी हाउ डज इट वर्क. सपोज दिस इज अ वॉटर बॉडी एंड इन दैट वॉटर बॉडी देर आर थ्री regions, we can say first, second, third. First is surface of the water body. It ranges from the top of the water body to few meters below, right? Then from that surface till the bottom starts, the middle portion is called as the column. What it is called as? Column. And at the bottom, that is of course bottom, okay? Now, as I told you in previous two sessions of cattle farming and poultry farming, कि जो हमारे इंडिया की जो
वैरायटी होती है, ब्रिड्स होती है, स्पेसीज होती है, उसको हम इंडिजिनस ब्रिड कहते हैं। The varieties which are of Indian origin that are called as indigenous breeds or indigenous species, and the varieties which are brought in our country from other part of the world or from other country that are called as exotic breeds, exotic varieties. So in the research it has been noticed that the three indigenous species काटला, रोहू एंड मृगल, ये जो तीन है वो इंडियन ओरिजिन के स्पेसीज है। ये तीनों जब सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प और कॉमन कार्प, इन तीन एक्सोटिक ब्रिड के साथ साथ अल्टुगेदर जब रियर किए जाते हैं तो दैट गिव्स अस अ बेनिफिट। एक्चुअली ये जो तीनों है ना, सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प एंड कॉमन कार्प, that have been transplanted from China to our country, and these exotic breed and our indigenous breeds gives a outstanding effect. Now see how does it work. As I told you that these fishes are having different habitat though they are aquatic. In that silver carp and katla, they both are the surface feeder. सरफेस फीडर मतलब वो सरफेस में ही रहते हैं पानी के, बट दो दे बोथ आर सरफेस फीडर, उनका खाना अलग अलग है। मतलब ऐसा नहीं है कि दोनों सरफेस फीडर है तो दोनों एक ही चीज के लिए कम्पीट करेंगे खाने के लिए, नो, देयर फूड हैबिट इज डिफरेंट। इन दैट सिल्वर कार्प इज फीड ऑन फाइटोप्लांकटन, यू नो फाइटोप्लांकटन, प्लांट स्पेसीज, माइक्रोस्कोपिक प्लांट स्पेसीज विच आर प्रेजेंट इन द वॉटर बॉडीज, एंड Katla feed upon the zooplanktons. What? Katla feed upon the zooplanktons. मतलब सरफेस में भी दोनों सरफेस में ही रहते हैं, बोथ आर सरफेस फीडर, बट एक फीड करता है प्लांट स्पेसीज पे, दूसरा फीड करता है एनिमल स्पेसीज पे. सो ऑफकोर्स बोथ कैन ग्रो नेचुरली इंडिविजुअली विदाउट एनी कॉम्पिटिशन फॉर फूड. देन कम टू द कॉलम फीडर. See, these are called as surface feeder, column feeder and bottom feeder. Okay, now in case of column feeder there is one indigenous species, that is rohu. What rohu feeds on? Rohu feeds on the decaying plants which is remaining floating in that column, right, and the detritus, remnants of the dead and decaying material, aquatic material. And grass carp is also column feeder, but what it feeds on? It feeds on the macro vegetations and weed. इस रीजन में कॉलम रीजन में जितने भी ग्रास है, जितने भी मैक्रो वेजिटेशन है, इस पे ग्रास कार फीड करता है. That's why it is known as the grass carp. The way it is taking its food, by that only it is named as the grass carp. Carp actually indicated the word for fish. Come to the last, that is bottom feeder. There are again two species. Mrigal, it is the indigenous species which is feed upon only decaying plants. किस पे फीड करते हैं वो? Only decaying plants. एंड जो कॉमन कार्प है दैट इज ओमनिवोर्स मीन दैट कैन फीड ऑन द प्लांट्स एज वेल एज स्मॉल फिशेस विच आर प्रेजेंट ओवर देयर. अंडरस्टूड? मीन्स इन दैट वे व्हाट वी नोटिस दैट 1, 2, 3, 4, 5 and 6 स्टॉक्स वी आर रियरिंग एट अ टाइम इन अ वॉटर बॉडी, प्रोवाइडेड they are not competing with each other for food, they are not competing with each other for place, and they are not feeding on each other as well. Iska dusra matlab kya hai? Instead of growing one type of fish in a huge water body, we can grow many so that we can have the yield in the multiples. I told you in the beginning ki मोनोकल्चर की जगह पे हम अगर पॉलीकल्चर को प्रेफर करते हैं, पॉलीकल्चर ऑफ द फिश, तो हमारा जो यील्ड है वो 8 to 10 times ज्यादा हो जाता है. सो ऑफकोर्स बेनिफिट भी उतना ही बढ़ जाता है.
Now, for the qualitative and quantitative production of the fishes in the fish farming, when we are planning for fish farm, मुझे अभी fish farming start करनी है. I'm planning for my fish farming, so मुझे क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए? मुझे ध्यान में रखना चाहिए कि location, what is the location of my fish farm? Water. Of course, fish farm में तो water is the basic first चीज आ गई. How is the quality of the water? Water का pH कैसा है? Water के nutrient value क्या है? Mineral value क्या है? वहां पे जो soil है उसका content क्या है? Climatic condition क्या है? और जो seeds आप डालने जा रहे हो आपके aquaculture में या फिर आपके polyculture में, which type of breed is that? Is it indigenous or is it exotic or is it mixture of both? That all things we have to consideration, taken into consideration. Nowadays, to get the yield on high quantity with good quality, many hormones are also there which are being inoculated into the fishes. The hormones which stimulate the growth of fishes, the hormones which reduce the maturity time of the fishes, the hormones or the chemical substances which can allow the fish seeds to reproduce in a multiple way, so that कम समय में ज्यादा से ज्यादा हमें yield मिल सके. Okay students, along with this we have completed the topic of fish farming from animal husbandry. It's very interesting topic. You go through it, study it, write the notes. If you have any query, and if you're not in my group, write me in comment box. If you are in my group, then let me know in the group. And after writing the notes, I would like to see your notes with the photographs. Clear? Till that time, next session जब हमारा होगा, in that we will talk about the apiary or beekeeping, honey bees. Okay. Till that time, you keep on studying, always think positive and keep smiling. Thank you.